और गंडक बराज से शनिवार को छोड़े गए करीब 6 लाख क्यूसेक पानी की वजह से वैशाली में तिरहुत तटबंध पर दबाव बढ़ने की आशंका है। आपको बता दें कि गंडक बराज से छोड़ा गया पानी सोमवार दोपहर या फिर शाम तक वैशाली से गुजरेगा और इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित किया है। तटबंध के साथ ही निचले इलाके में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। तटबंध की सुरक्षा के लिए 24 घंटे इंजीनियर की टीम तैनात है। वहीं डीएम ने भी देर रात रामदौली घाट पर तैयारी का जायजा लिया और साथ ही फुलाड़ घाट और लालगंज से बसंता घाट को भी देखा। बता दें आपको कि रामदौली घाट पर जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता प्रफुल्ल कुमार ने। तराई क्षेत्र में हुई जोरदार बारिश के बाद गंडक नदी जो है उफान पे है। गंडक नदी का जो वाल्मीकि नगर गंडक बराज है उससे लगभग 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद से वैशाली में भी इसको लेकर अलर्ट है। और आप देख सकते हैं किस तरह से डीएम जो है खुद यहाँ पे रात और सुबह दोनों टाइम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे मामले की, और पानी की रफ्तार जो है वो धीरे धीरे जलस्तर बढ़ता जा रहा है। यहाँ जब पानी दो दिन बाद पहुँचने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है कि आज देर रात और कल सुबह से जो पानी की जो जलस्तर है वो इसमें वृद्धि होगा, और वृद्धि होने के बाद जो है वो कई तरह की चुनौतियां जो हैं वो जिला पदाधिकारी और जिला प्रशासन के सामने होंगी, जिसको लेकर जो है डीएम जो इस ज़िले के जो डीएम यशपाल मीणा जी वो खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम लोग पास 10-12 जितने भी बोर्ड्स हैं उनको हम लोगों ने अलग अलग जगह पर स्टैटिक किया हुआ है। सभी लोगों से हम लोगों ने अपील भी किया है कि कल जब पानी गुजरेगा यहाँ से तो ज़्यादा डीप में जाने का नहीं रखें, बाहर से ही अपना हम लोग प्रतिबंधित भी कर दे रहे हैं एहतियातन के तौर पे। सभी घाटों पे हम लोगों ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था की है ताकि किसी भी परिस्थिति में लोग जो हैं ज़्यादा डीप पानी में ना जाएँ। बहरहाल चुनौतियाँ बहुत हैं लेकिन जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और ये दावा किया जा रहा है कि हर तरह की तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18 वैशाली।